ओके, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बाद, इसको हम फर्दर अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को. अभी जो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ, जो नया नेक्स्ट टर्म आपके लिए इंट्रोड्यूस होने वाला है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. क्या है टर्म? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको देखने वाले हैं आप लोग अभी नेक्स्ट क्लासेस में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफ, वी कैन से दैट अपोजिशन ऑफ करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अगर मैं आप डेफिनेशन लिखता हूं, तो मैंने आपसे क्या बोला? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ, रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन अ सर्किट. इन अ सर्किट क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का अपोज कर रहा है, जो करंट के फ्लो होने के कारण जो करंट को अपोज कर रहा है, मतलब वो करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा है, या उसके फ्लो होने में कुछ रुकावट पैदा कर रहा है, या किसी टाइप का ऑब्स्टिकल्स, जैसे हम बाइक से चल रहे हैं और बाइक हमारी एक कॉन्स्टेंट स्पीड में हमारी बाइक चल रही है, सडनली हमने देखा कि वहां पर एक स्पीड ब्रेकर आ गया, तो हम क्या करने वाले हैं? अपने ब्रेक दबा करके हम अपने एक्सेलरेशन को कम कर देते हैं. तो वो कम करने से क्या हुआ? हमारा स्पीड कम हो गया. तो एक तरीके का हम समझ सकते हैं जो हर्डल है या जो एक काइंड ऑफ स्पीड ब्रेकर है, वो क्या है यहां पर? किसका काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. ठीक है, अब पूछेंगे आप, सर ये रेजिस्टेंस की क्या जरूरत होती है? भाई जरूरत है. स्पीड ब्रेकर की जरूरत क्यों है? क्यों? ताकि अगर स्पीड ब्रेकर्स नहीं होंगे, अगर आप एक ही स्पीड में गाड़ी को फुल स्पीड में चलाएंगे, तो बहुत सारे खतरा हो सकते हैं. आपका एक्सीडेंट हो सकता है. अगर वो रोड किसी कॉलोनी से निकल रही है, तो वहां पर खेलने वाले बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमें रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम रोड के लिए बात करते हैं, तो सेम जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आप समझते जाएंगे कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से कुछ डिनोट करते हैं. अब आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, हमारा स्पीड ब्रेकर भी तो कुछ ऐसा ही होता है. ऐसा ही होता है हमारा स्पीड ब्रेकर. तो इस टाइप के स्पीड ब्रेकर के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम अपने माइंड में रख सकते हैं कि कुछ ऐसा हर्डल्स टाइप बन रहा है, ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस. और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है ओम. क्या होता है इसका एसआई यूनिट? अगर हम बात करें तो ओम होता है. क्या होता है? ओम. ठीक है, लाइक अगर हमें किसी ने बोला कि इसकी वैल्यू 5 ओम है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है. ठीक है, अब मैंने आपको जैसे प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, मान लीजिए वो 5 ओम से 10 ओम के बीच में वेरी कर रहा है, तो उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं. और वो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, और समहाउ वो कभी आप उसको ऐसा भी देख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑल्सो इन दिस मैनर. सो इट इज अ दीज टू आर द वेरिएबल रेजिस्टेंस. क्या है ये? वेरिएबल. आप वीडियो को पॉज करके इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं. क्या है ये? वेरिएबल रेजिस्टेंसेज है. ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंसेज है, और ये हमारा बेसिक रेजिस्टेंस है, जो हम अभी अभी हमको 10th क्लास में इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है. ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. जो करंट को फ्लो होने में अपोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं. अब हमें जो नेक्स्ट देखना है, वो ये देखना है बेसिकली कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. अब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन क्या है? बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस जो हमें अभी पढ़ना है इसमें. एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या है बच्चों? पहला है हमारा सीरीज और दूसरा है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो आप इस चीज को देख सकते हैं. सीरीज का मतलब होता है एक के पीछे एक के पीछे एक.
उसको हम सीरीज कहते हैं, सिंपल वे में समझेंगे। जैसे रेल रेल देखी हमने, ट्रेन देखी है, ट्रेन क्या है, एक डब्बे के पीछे दूसरा डब्बा, दूसरे के पीछे तीसरा, और ऐसे करते रहते सक्सेसिवली सारे डब्बे के पीछे कनेक्ट होते हैं, तो इट्स शेप ऑफ अ कनेक्शन इज कॉल्ड अ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप दिमाग में रखें कि नहीं स्ट्रेट ही लाइन होगी, नहीं, मैं कह सकता हूं कि ये भी एक सीरीज कनेक्शन है। आप देखिए टर्मिनल ए से अगर मैं टर्मिनल बी तक की बात करता हूं तो ये भी एक सीरीज है। देखिए आप भले यहां से यहां गए, टर्न कर गए, यहां आए, यहां आए, लेकिन अगर आप इसको खींच देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीरीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी एक सीधी लाइन में कोई चीज कंटेन करे, वो चेंज भी कर सकते हैं पाथ उसका हम, बट वो जैसे आपको इमेजिन करना है कि जो करंट का, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो करंट होती है वो कहीं से भी बायफर्केट या कहीं से भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां से कोई करंट जा रही है तो वो ऑब्वियसली यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, करंट का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, सो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन अ सर्किट एंड द करंट इज पासिंग थ्रू ऑल द रजिस्टर्स सो इट इज डिफाइंड एज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो अगर मैं इसको रेजिस्टेंस के टर्म्स में बताऊं तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे एक ये रेजिस्टेंस है R और एक ये दूसरा रेजिस्टेंस मैंने लिया R1 और ये दूसरा रेजिस्टेंस मैंने लिया R2, तो ये R1 और R2 किसमें है, सीरीज में है, किसमें है ये, सीरीज में। ऐसे हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला है, आप तीसरा रेजिस्टेंस भी लगा दीजिए, आप चौथा भी लगा दीजिए और आप लगाते चले जाइए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब क्या होता है कि हमको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये दो हैं लेकिन मुझे एक कैलकुलेट करना है, बार 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 जब बहुत बड़ा सर्किट हो जाएगा तो मैं एक रेजिस्टेंस में कैसे कैलकुलेट करूं, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, सीरीज में कुछ नहीं होता, सिंपल आर इक्विवेलेंट, जो R इक्विवेलेंट है मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम सिंपली R1 प्लस R2 लिखते हैं, दैट्स इट। अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, मान लीजिए एक ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लिया मैंने और एक ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लिया, अब आपसे मैंने पूछा कि भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, सिंपली 5 ओम प्लस 4 ओम इट इज इक्वल टू 9 ओम, ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है, सीरीज में क्या करना है, सिंपली हमको रेजिस्टेंस को ऐड कर देना, दैट्स इट, नो नीड टू एनी, हमें कोई भी हार्ड वर्क या कोई भी ज्यादा उसमें अभी हमको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली देखिए मैंने दो रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर दिया, आर इक्विवेलेंट R1 R2, मैंने एग्जांपल भी लेके आपको समझा दिया, दो रेजिस्टेंस है सीरीज में, आप सिंपली इनको ऐड कर दिए, 9 ओम आ गया आपका आंसर। ठीक है, पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब दूसरा दिन मैं आपको बताता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब जैसे आप खुद ही समझ पा रहे हैं पैरेलल का मतलब होता है जैसे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक क्या चल रहा है, पैरेललली है। ठीक है, आप आपके दोस्त के साथ साइकिल में बिल्कुल एक के पीछे एक नहीं, एक साथ चल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, तो पैरेलल को मैंने कुछ इस तरीके से बता देता हूं, ये एक रेजिस्टेंस R1 है, एक ये रेजिस्टेंस R2 है और ये इनके टर्मिनल्स के नाम है A और B। ये देखिए इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पर हमारा R1 है, यहां पर हमारा R2 है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन नीचे अगर मैं बात करता हूं तो R इक्विवेलेंट मेरा क्या होने वाला है, जस्ट 1/R1 + 1/R2, हमको उल्टा करके लिख देना है, रेसिप्रोकल, मतलब 1/R1 + 1/R2, क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लिया मैंने R1 R2 और यहां पर क्या हो गया मेरा, हो सकता है आपको यहां दिखे ना, मैं यहां लिख देता हूं R इक्विवेलेंट क्या हो रहा है आपका, एलसीएम ले लो, क्या जाएगा एलसीएम R1 R2, ऊपर क्या जाएगा R1 + R2, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका R1 + R2 / R1 R2। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या है, ये जो R इक्विवेलेंट आप देख रहे हैं ना, ये 1/R इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्या है ये,
वन अपॉन आर इक्विवेलेंट। अगर आप रेसिप्रोकल कर दें तो आर इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ठीक है, फिर से वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो ये आप एलसीएम लिया आपने आर वन आर टू, आप इसको इक्विवेलेंट को ऊपर लेके गए तो ये आपका पूरा रेसिप्रोकेट हो गया, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू का, दिस इज योर व्हाट पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, होप आपको यहां तक अभी क्लियर होगा, नोट डाउन कर लेंगे इसको आप अपनी कॉपी में। थैंक यू।